वहीं हरियाणा पुलिस ने सीएम को सम्मानित किया है। सचिवालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, सम्मान दिया है। सचिवालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा सचिवालय पहुंचे हैं और उनको हरियाणा पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर जो है उनका स्वागत किया है और उन्हें सलामी देकर जो है वो उनका स्वागत हरियाणा सचिवालय में पहुंचने पर किया गया है। उनके साथ इस दौरान हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा वो भी मौजूद रहे हैं और इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ जो है वो सचिवालय पहुंचे हैं। यहाँ पर जोरदार जो है वो स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार हरियाणा सचिवालय में पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हैं और उनका जोरदार स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा सचिवालय के पार्किंग परिसर की तस्वीरें हैं जहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है वो स्वागत हुआ है। अब मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे हैं तो उनकी जो है वो जो स्वागत है उनका किया गया है और मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो अब यहाँ से निकलते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब हरियाणा सचिवालय पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उसमें विधानसभा का सत्र जो है उसके बुलाए जाने की तारीख पर मुहर लगनी है। लेकिन एक ज़ोरदार स्वागत जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हरियाणा सचिवालय में पहुंचने पर किया गया है। हरियाणा पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर जो है वो उनका सम्मान सचिवालय पहुँचने पर हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय नरसिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय से।